चरण करा जाति भीर्याप्य लोकान भुक्त्वा वो तत्व को ना देखने वाला है ना तत्व ना कोई वस्तु तत्व शरीर
तथा राम अद्वैत व्यवहार करने चला चलने के तरफ व्यवहार से करना भी होता है, कभी मन में कुछ काम है तो उसी में रमन करते हैं और उसको लेके खेलते हैं, स्वरूप में खेलते रहते हैं। मतलब तत् रमन आरमनम तत् आरमनम, मतलब चारों तरफ से उसमें रमन करते हैं। तत्व अप्रच्युत भवे, तत्व से भेद प्रच्युत होने का डर नहीं होता। तत्व उस तत्व प्रच्युत में तो वहाँ से डिविएट कर जाना, वहाँ से अलग हो जाना, जब मैंने सुना इसका स्वरूप हूँ और यही मैं हूँ, इस प्रकार से मैं में कभी भी कोई विकार मतलब कभी परिचय मतलब विच्युति नहीं होता, इसीलिए इस स्वरूप से कभी विच्युत नहीं होता। यही जो है मतलब कार्यकारी कहने का भी प्रस्तुत को जानने का फल यही है कि आप उस भाव को प्राप्त कर जाएंगे जिस भाव में कभी किसी प्रकार का कोई विकार मतलब कोई परिवर्तन नहीं है। भाव स्वरूप उसका स्वरूप मतलब धर्म ही ऐसा है, तो आप जब पहले नहीं था और अभी भी नहीं है तो बीच में हमको दिखाई दे रहा था कोई भाव विकार आदि मतलब जाए थे अस्थि वर्तन थे, वो भी पारमार्थिक नहीं है, तो हम अपने निर्णय कर देते हैं। ठीक है, तो इसको तो हमने भर लिए थे, भाष्य भी पूरा हो गया था ना, केवल टीका थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे जो कल जो दो नंबर टिप्पणी करी थी ना हमने कि यथा अतत्व दर्शी कश्चित कश्चित तम आत्मत्वेन प्रतिपन्न चित्त चरणम अनुचरितम आत्मानम मन नमन अतत्व दर्शन मतलब शरीर को आत्मा मान लिया। ठीक है ना, अब फिर क्या है, शरीर पहले मोटा था अब पतला हो गया बुढ़ापा में, तो क्या बोलेगा मैं बुढ़ा हो गया मैं पतला हो गया। इसीलिए यहाँ पे देहादि भूतम आत्मा कदाचित मानते शरीर आदि को अपने रूप में मानता है, तो शरीर में कुछ परिवर्तन होगा तो क्या मानेगा वो मेरे में परिवर्तन होगा, तो शरीर को आत्मा मानते हैं। एंड इसलिए बोलते हैं चिंत मानते प्रच्युअम आत्मतत्व, मैंने वहाँ को आत्मा को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कल मैंने बोला था अस्थूल कर दीजिए, स्थूल रखने पर ही उसमें हमारा अस्तित्व है, वो शरीर का आत्मा माना था, दो नंबर शरीर का आत्मा माना था, अब बुढ़ापा में इदानी बुढ़ा हो गया पतला हो गया, तो क्या हो गया मैं स्थूल से पतला हो गया, मैं पहले तो अच्छा था परंतु अभी मैं बीमार पड़ गया, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। जब स्थूल लिखा हुआ है, मैं पुराने पुस्तक में भी देखा स्थूल लिखा हुआ है, यानी कि शरीर को आत्मा मानने वाला व्यक्ति वो क्या करता है, शरीर में थोड़ा परिवर्तन हो गया तो मुझ में परिवर्तन हो गया ऐसा मानने का नहीं करता हुआ करता है। इसको क्या बोलते हैं विदानी विदानी तक उदानी तक आश्रापन अवस्थाया, मतलब पहले वह मोटा था अभी दुबला पतला हो गया, शरीर को लेकर अतत्व दर्श के लिए शब्द प्रयोग किया गया। क्या होता है कि तीन प्रकार की दृष्टि है, एक तो पामर जीव केवल खाओ पियो जीव शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को मैं भी मानते हैं, परंतु शास्त्र पठन पठन करने के बाद पहले तो एक कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्मांतर संस्कार है, तो मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को शास्त्र में इस कर्म को करने के लिए बोला, इसलिए मैं करता हूँ और इस कर्म को कर करके मैं इस फल को भोग करूँगा, भोक्ता भी मैं हूँ। तो परंतु वो वहाँ पर उसको निश्चित हो जाता है, क्या निश्चित है, इस स्थूल शरीर को रहकर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, परंतु वही मैं रहूँगा जो स्वर्ग में जाकर इस कर्म का फल भोग करूँगा, क्योंकि मैं करता हूँ इस कर्म का फल, इस कर्म का मैंने किया तो उस कर्म का फल मैं भोग करूँगा, यानी कि सूक्ष्म शरीर को मुझे चेतन को मैं मान करके व्यवहार करना दूसरा स्टेप, स्थूल शरीर को तो छोड़ दिया दूसरा स्टेप में आप कहाँ पहुँच गए, स्थूल सूक्ष्म शरीर को मैं मान के व्यवहार करके पूर्व मीमांसा दर्शन हमारे लिए कम से कम इतना आगे ला दिया, हमको पूर्व मीमांसा दर्शन हमको कम से कम इतना सिखा दिया कि स्थूल शरीर नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर को इतना चेतना। फिर जब वेदांत भाग में प्रवेश करते हैं, ये बुभुक्ष जी भोग करना चाहता है तो सब भोग चाहता है, तो शास्त्र अवलंबन करके चाहता है मैं करता हूँ मैं भोग करूँगा। अब उसके बाद उसके मन में क्या आते हैं, अरे इस भोग भी तो पूर्ण नहीं है, इसके पीछे क्या है, तब उसका अंदर मुमुक्ष आता है, तब हमारे वेदांत में प्रवेश करते हैं। तो वेदांत में प्रवेश करते क्या होता है कि मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, और वो जब ये जब नहीं हूँ इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्वरूप संबंधी जो अज्ञान को मिट जाए तो मैं दोनों ही नहीं हूँ, तो ये हो गया इस मुमुक्ष से, फिर अज्ञान मिटने से जीवन मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि जो यथा अवतत्वदर्शी कश्चित चित्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्न मन को ही अपने रूप में मान लिया, चित्त चरण मन चरित मान चित्त में तरह विक्षेप हुआ तो मेरा का विक्षेप हो गया मन न मान तत्व चरित, इसीलिए मैं शरीर तत्व से चरित हो गया, देहादि भूतम
आत्मानम। अब शरीर को आत्मा मानते हैं तो कदाचित मन्यते प्रच्युत हम आत्मा तत्त्व, शरीर में आत्मा माना था तो शरीर दुर्लभ आत्मा हो गया तो मैं आत्मा तत्व से प्रच्युत हो गया, इस प्रकार मानते हैं। परंतु समाह के तुम मनुष्य कदाचित तत्वभूत प्रसन्न आत्मान मन्यते इदानीम अस्मि तत्ते हो। जब समाहित मन होता है तब क्या होता है कि मैं तो इस समय जो है अपने स्वरूप में हूँ, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार मानता है अज्ञानी जी। तो यहाँ पे देखिए टीका हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, क्या बोले थे कि देखो शास्त्र अपराध देखा था, वो शंका उठाया था कि पृथ्वी के बना हुआ पृथ्वी आदि मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मिथ्या नहीं है, ये सत्य वस्तु है और इसीलिए इससे बना हुआ वस्तु सत्य मिथ्या कैसे बोल रहे। तो उत्तर क्या दिया था, आचारम मनम विकारो नाम ध्येयम मृत्यु का इत्येव सत्यम। तब तो आपका जो है कारण मूल कारण सत्य है, इस विषय में भी तो कोई प्रमाण नहीं है, उदाहरण अशुद्धि प्रमाण है उसके लिए आत्मा च सबाई अभ्यंतर अजो अंदर बाहर पूरा एक आत्मा ही प्रमाण है, अपूर्व कार्य रूप नहीं है, कारण रूप नहीं है, उसका अंदर अंदर बाहर रूप नहीं है, आकाश द्वारा पूर्ण व्यापक है, सूक्ष्म है, अचल है, निर्गुण है, कला से अवयव से रहित है, क्रिया होना संभव नहीं है, वही परम सत्य तत्व है, तत्सत्यम स्वात्मा तत्वमसी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था है ना। द्रष्टु आत्मिका भी देखिए वाचारंभन जहाँ पे उसके आगे टीका में द्रष्टु आत्मन अपि दृश्य प्रतियोगित्वात् कुल्लम वाचारंभनत्वम इति आशंका, ठीक है ना। वाचारंभन तक हम पढ़ लिए थे। अब ये कहीं क्या बोल रहे हैं कि ये जो दृष्टा आत्मा है अपने दृष्ट वस्तु को मिथ्या बोल रहे हैं, तो दृश्य वस्तु के सापेक्ष दृश्य भी नहीं रहेगा तो दृष्टा भी नहीं रहेगा, दृष्टा आत्मा में मिथ्या होगा। शंका करने वाले एक मन में बन है, दृश्य के सापेक्ष में दृष्टा शुद्ध हो गया, आपने क्या खत्म कर दिया, दृश्य दृश्य है ही नहीं, दृश्य नहीं तो दृष्टा भी नहीं रहेगा, मान सकते हैं इसको। हाँ जी, दृश्य नहीं है तो दृष्टा भी नहीं रहेगा, लेकिन दृश्य नहीं है तो दृष्टा भी नहीं रहेगा, ये पूर्ववादी बोल रहे हैं, पूर्ववादी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं द्रष्टुर आत्मनो अपि दृष्टा दृष्टा का जिसका रूप है, जो दृष्टा रूप है वो भी दृश्य प्रतियोगिता मतलब दृश्य के सापेक्ष में दृष्टित्व आने के कारण जब आपने तुलना वाचारंभ वहाँ भी तो वाचारंभ बन तो दृष्टा वालों भी बाहरी शब्दों की तरह बोलते हैं वो भी निकाल बेकार है मिथ्या है। वाणी के द्वारा बोला जाता है जिस वस्तु को वो विकार है, वो नाम मात्र है, पारमार्थिक कहते नहीं है उसमें, हाँ वो मिथ्या है। श्रुति बोलते श्रुति तत्व है, ये वेदांत तत्व नहीं है, श्रुति तत्व है। वाणी के द्वारा जिसको कहा जा सकता है वो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। छंद को छ दो एक टिप्पणी में देखिए छह नंबर टिप्पणी बोल रहे दृश्य प्रतियोगिता मतलब दृश्य सापेक्ष दृश्य के सापेक्ष में दृष्टि को सिद्ध होता है, इसीलिए यदि 38 का भी प्रकार था तो वहाँ भी कोई यही भाई वाचारंभ मन तो वहाँ भी तुल्य है, बिल्कुल सही बोला। तो हम मानते हैं परंतु वो जैसा हम जिस प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प और सर्पात्मक ज्ञान वो दोनों मिथ्या है, परंतु जिस प्रकार रज्जु मिथ्या नहीं है उसी प्रकार देखने वाला दृष्ट भी मिथ्या नहीं है, ज्ञान मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जगत का नाम रूप मिथ्या, जगत की सत्ता को मिथ्या हम नहीं बोलते हैं, और इस सत्ता देखने वाला का भी सत्ता और दृश्य वस्तु का सत्ता दोनों एक ही सत्ता है, दो सत्ता नहीं है, इसलिए दृष्टा और दृश्य ये दोनों शब्द रूप है, ये तो मिथ्या है, ना दृश्य है ना दृष्टा है, मतलब अधिष्ठान तत्व मिथ्या नहीं है वो सत्य है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि पूरा कि दृश्य प्रतियोगिता दृश्य सापेक्षता दृश्य के सापेक्ष में दृष्टा सिद्ध होता है, इसलिए यह कभी प्रत्यक्ष है। जब बोलते हैं यहाँ पे दृष्टो आत्मन अभी दृश्य प्रतियोगिता तुलना वाचारंभ मनत्ता वो भी तो मानी के द्वारा बोल रहे हो वो मिथ्या होगा, वाचारंभ मन की आशंका आत्मा चौंपति को ऊपर देखे मूल में वहाँ पे क्या बोलते हैं कि तत्सत्यम स आत्मा च सबाह्य आत्मा का स्वरूप क्या है सबाह्य अभ्यंतर ही अज अपूर्व अनंतर अबाह्य कृष्ण आकाश वत्सर्वतः
सूक्ष्म अचल निर्गुण निष्कल निष्क्रिय सब अलग अलग उपनिषद से थोड़ा थोड़ा उठा दिया। और यद्यपि यहाँ पे कोई भी शब्द पुनरुक्ति भी ऐसे लग रहा है, परंतु वेदांत में पुनरुक्ति का दोष नहीं माना गया कि मतलब अत्यंत दुर्भिज्ञ तत्व को समझाने के लिए कई बार महात्मा के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से बोलते हैं। अच्छा आगे और बोलना है, देखिए भवतु परस्य आत्मन तत्तद आगम वचन निर्देशात् उक्त लक्षणत्वम्। ठीक है, आपने जो बोला परमात्मा जो है ना, ये वर्णन किसका है? कहाँ कहीं भी अभी परमात्मा के संबंध वर्णन, इसलिए बोलते हैं भवतु। लेकिन विश्व क्या परस्य आत्मन परमात्मा का आत्मन तत्तद आगम वचन श्रुति वाक्यों के आधार पर आधार से निर्देश होने के कारण उक्त लक्षणत्व परमात्मा में ये लक्षण घट जाएगा, परमात्मा में ये लक्षण घट जाएगा, जीवात्मा में करने वाला शंका करने वाला ये बोल रहे हैं भवतु परस्य आत्मन तत्तद आगम वचन निर्देश उच्च लक्षणत्म तथापि फिर भी द्रष्टुरात्मन न यथक्त रूपत्म। द्रष्टात्म रूप में जिसको दिखाई पड़ रहा है इसमें तो ऐसा रूप होना संभव नहीं है, इसमें तो ऐसा रूप होना संभव नहीं है, ऐसा करके पूर्व वाली शंका करने तब क्या बोला तत्त्वमसि तुम वही हो, तुम उससे भिन्न नहीं हो, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं प्रतिज्ञा दिया तत्सत्यम स्वात्मा तत्त्वमसि सहितके। तो मैं शंका के छोटा छोटा भाग को उठा करके भवतु परस्य आत्मन तत्त्व आगम वचन निर्देशा उक्त लक्षणत्म तथापि द्रष्टुरात्मन न यथक्त रूपत्म इति आशंक, मतलब दृष्ट आत्मा में तो ऐसा नहीं हो सकता है। बोलते नहीं नहीं श्रुति क्या बोलते हैं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि सहितके को, है ना, अरे श्वेत के तो वही एकमात्र परम सत्य वस्तु है और वही तुम्हारा स्वरूप है, तुम वही हो, तुम वही है ना, मतलब वाच्यार्थ में एकत्र नहीं है लक्ष्यार्थ में एकत्र है, जिसको कहने के लिए बोलते हैं वही सत्य तथ्य तत् सत्यम स आत्मा तत्वे उसको सत्य सत्य। हाँ विशेषणानि त्रुटिका में विशेषणानि तो प्राचीनानि तत्त आगम उपात्मानि और पुनरुक्तानि। यहाँ पर जो विशेषण दिया गया पहले जो स्वबाह्य अभ्यंतर अजो अपूर्व अनंतर, देखो बाह्य अभ्यंतर बोल फिर अपूर्व अनंतर अबाह्य कहीं के पुनरुक्ति शब्द आ रहे हैं कि प्रकार बोलते हैं यहाँ पे कि विशेषणानि तो आत्मा को समझाने के लिए जो भी विशेष विशेषण शब्द का प्रयोग किया प्राचीनानि जो पहले बोलकर तत्त आगम उपात्मानि कहाँ से लाया भगवान भाष्यकार, यहाँ पे एक अठा को दिखाई दे रहा है परंतु वहाँ पे एक अलग अलग जगह पे बोला हुआ है, अलग अलग जगह पे बोला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पुनरुक्ति नहीं है। आए तो सभी उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय तो एक ही है, समस्त उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है जीव ब्रह्म एकत्व, अलग अलग उपनिषद अलग अलग प्रकार के शब्द प्रयोग किया भगवान भाष्यकर यहाँ पे एक ही शब्द को एक जगह पे ला करके रख दिया, बोलते ये हमारे एक जगह पे लाने से नहीं समझना पुनरुक्ति है क्योंकि अलग अलग उपनिषद से मैं उद्धृत कर रहा हूँ, इसलिए विशेषणानि तो प्राचीनानि तत्त आगम उपात्तानि अपुनरुक्तानि और उस अलग अलग श्रुति वाक्यों से लाए से हमें पुनरुक्ति नहीं है। सात नंबर टिप्पणी तत्त आगम एक वाक्य उपात्ताना भी समान अर्थतानम पुनरुक्तम भवति, एक ही वाक्य से यदि लिया गया है अब यदि समान अर्थ होता है एक ही वाक्य व्यतिरिक्त समान अर्थ होता है उसको पुनरुक्ति दोष बोला जाता है, अलग अलग जगह से उद्धृत करके हमने लाया इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति दोष नहीं है। समझाने के लिए बाहर जब तक शिष्य के मन में दृढ़ रूप से बैठ जाता है तब तक शास्त्र को बोलना एक वाक्य को उपाताना एक ही वाक्य में ग्रहण किया गया समान अर्थ का नाम एक ही अर्थ को बोलता है, हमने एक ही वाक्य में बोला जरा मेरे लिए जल पानी लाओ, एक वाक्य हो ना मेरे लिए जल पानी लाओ तब आपको जल और पानी का एक ही अर्थ हो गया, तब आपको दोनों में से किसी एक को अर्थ को मतलब मतलब पानी जल नाश्ता लाओ कुछ मतलब ऐसे कुछ मानना पड़ेगा आपको अथवा पूरी दोष हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम अलग अलग वाक्य से उठा करके यहाँ पे प्रयोग किया अलग अलग उपनिषदों से, इसीलिए समस्त अभिप्राय यही है समस्त उपनिषदों में तो यही चीज को दिखाया अलग अलग उपनिषद से हमने इस एकत्र को प्रतिपादन पर जो वाक्य है और वो जीव में दिखाया
कई व्यक्ति को शंका होती है, जेलानों को मतलब मैत्री ब्राह्मण, मैत्री को जब वहाँ पे लिखा है नव आर्य पत्तु कहाँ है पति पीर भवनी नव आर्य जाया काम पति जाया पुत्र, ये सब किसको होता है? जीवात्मा की परमात्मा की, जीवात्मा की होती, जीवात्मा की होते हैं, जीवात्मा के बारे में पसंद कर पाए परंतु बात में क्या बोलते हैं यही जीवात्मा को दिखा करके जीवात्मा के उद्देश्य करके उसमें परमात्मा तो विधान करते हैं। इसको हम नहीं समझ पाने के कारण हम बोलते हैं कि जीवात्मा में कोई नहीं घट सकते, जीवात्मा ही परमात्मा है, केवल जीवत्व परत तो दोनों उपाधि को आता बस शुद्धात्मा ही है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राचीनानि तत्तद् आत्मानं पर्यन्तं पुनरुक्तानि। अब जो पहला आधा भाग क्या था कि तत्तमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्तु दृष्ट्वा तु वा यतः, ये तो आपने देख लिया। आप क्या बचा वहाँ पे तत्ति भूत तदा राम बोलते हैं द्वितीयार्थम व्याचष्टे, श्लोक में आया हुआ द्वितीयार्थ उसका व्याख्या करते हैं। तदिति एवं तत्त्वं दृष्ट्वा, इस प्रकार से तत्व को समझ करके तत्वी भूत है ना, वो तत्व स्वरूप हो जाता है, वो तत्व स्वरूप हो जाता है, तत्व से अलग नहीं रहता। अभी तक तो दृष्टा विश्व उपाशु उपाशु कुछ भी भाव में करता था, हम तो जब उस तत्व को समझ गया जान लिया तब क्या हो जाएगा तत्व स्वरूप हो जाता है। तदा राम उसमें रमन करना ही उसका कोई बाना बाह्य रमन, बाहरी कोई वस्तु में उसका मन नहीं होता, बाहरी कोई वस्तु में मन नहीं होता। ये किसी संख्या को यदि हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो से डिवाइड इन्फिनिट, इन्फिनिट एक होगा ना। तब देखिए मान लीजिए हमारी मन बाहरी अनंत अनेक वस्तु में फंसा हुआ है, सौ वस्तु में, प्रत्येक दिन को कोई जगह सौ वस्तु में, कुछ हजार वस्तु में, उसको आपने यदि आधा जैसे कल जब मान व्यतिरिक संघ वगैरह का आ रहा था ना, उससे उससे यदि आप आधा कर दें तो क्या हो जाएगा आपका खुशी की मात्रा, क्यों शोत्रियस्व अकाम हदस्य, ये भी आ रहे थे अनंत मीमांसा में क्या बोला कि जितना आप बाहरी वस्तु संबंधी चिंता कम करते जाएंगे तो उतना आपका क्या होगा आनंद की मात्रा सामान्य, ठीक है। तो इस प्रकार बाहरी वस्तु की संख्या की चिंता कम कर दीजिए, आपका धीरे 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 आनंद की मात्रा बढ़ता है, श्रोत्रिय अकम। लास्ट जो बाहरी वस्तु में जो आध्यात्म यहाँ पे बोले ना कि आध्यात्मिक निष्ठा, अब जो पहले हम शरीर के लिए फिर हम क्या सोचते थे वासस्थान सोचते हैं अन्न सोचते हैं, परंतु जैसे ही धीरे धीरे वासस्थान की चिंता मन से चला जाता है, अरे जहाँ रहें पड़ा रहे क्या फर्क पड़ता है, और कहाँ ही पड़ा रहे क्या फर्क पड़ता है, तो आपका वो चिंता में चला जाए। फिर उसके बाद अन्न शरीर अपना प्रारब्ध शायद हम भिक्षा मेरे को ही खाऊँ, अन्न की चिंता भी छोड़ गया, वस्त्र तो भगवान जैसे आवश्यकता है उसे नहीं देते हैं, उसका चिंता भी छोड़ गया, अन्न वस्त्र वासस्थान चला गया। आप प्राण कैसे हैं, प्राण को लेकर के मैं चिंतित हूँ, मान प्राण कैसे क्योंकि मैं रहता हूँ तो प्राण चलता, प्राण को मैं तो प्राण के बिना भी रह सकता हूँ, शास्त्र से दिखाता है प्राण रहते हैं ना हमें क्या फर्क पड़ता है, इस चिंता भी छोड़ दो। देखो आप आनंद की मात्रा कैसे बढ़ता है, लास्ट क्या रहेगा वो जो मैं इतना दिन अपने को परिचिन अहंकार को जिसको टिक करके अपने को रक्षा निकालते हैं उसको भी हटा दो तो क्या हो गया समथिंग नंबर डिवाइडेड बाई जीरो, ये हंगर में चला गया, यू विल गेट द इंफिनिटी। समझना आप ये तो पूरा गणितिक व्यवस्था है, क्योंकि अंतिम में जो रहता है हमारे व्यवस्था क्या होते हैं कि यदि आपके मन चिंता रहित हो जाते हैं तो क्या होता है या अनंत अनंत कम होता है। ये जो कल व्यतिरिक शंका हुआ उसको बाद में सोचता है क्या सुंदर होता है, वर्तमान वही रहा कोई व्यतिरेक वही रहा कोई एक बोले उसका संज्ञा वही रहा तो अब तो परंपरा वही रहा, अब तो परम वही रहते हैं कोई छिन्न भी बिल्कुल परमात्मा को देना हो तब देखो मतलब सारा उसी के आधार पर चिंता था कोई चिंता मन में नहीं होता तो क्या रहेगा वो अनंत आनंद आनंद। अब डिपेंड होते हैं एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी, ये जो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो आत्मा राम विशेषण ध्यान इति एवं तत्तम दृष्ट, फिर आत्मा रामत्तम कथम, आत्मा में रमन करने वाला कैसे होता है इति आशंक,
वो आत्मा में रमन करना कैसे होता है टीका में ना प्रथम इति आशंक बाह्य विषयाशक्ति त्यक्त्वा बाहरी विषय के प्रति आसक्ति को त्याग करके प्रत्येक आत्मनिव परित्रिप्त प्रत्येक आत्मा में जैसे आप आ जाएंगे यू फील दैट एब्सोल्यूट ब्लिस कुछ भी आप लोग प्रतिबंध बैठने का जरूरत नहीं प्राण रक्षा की चेष्टा न जीवित मरने पूर्व शत्रुआ की बोलता है शरीर रहेगा रहेगा तब तक तो बोध हो गया अब क्या करना चाहिए जिसके लिए भगवान दिया था अब उसका शरीर रहेगा तो ईश्वर जितना दिन रखेगा रखेगा बस ये चिंता जैसे ही रहेगा परिच्छिन्न अहंकार जाके आत्मराम अनंत अनंत बन गए यदि हम बोलते हैं बाह्य विषय आसक्ति त्यक्त्वा प्रत्येक आत्मनि एव परित्यक्ते शास्त्र कितना साइंटिफिक है और जिसके ऊपर देखो विज्ञान बोलते हैं कि यदि आप अनंत अनंत में कैसे पहुंचो गया एनी नंबर इज देयर इज मेकिंग वैकेंट डिवाइडेड शून्य शून्य की आवश्यकता इसलिए है मतलब बस मान मन को विषय चिंता से देखकर अब अनंत आनंद में पहुंचे तीन जगह पे बड़ा हुआ यहाँ पे क्षत्रिय अकाम हतस्य च नहीं हम शून्यवाद पे नहीं पहुंच रहे हैं यही तो मैं बोल रहे हैं शून्य से मतलब शून्य से हम क्या दिखाना चाहते हैं वासना शून्य करो मन को आपने वासना शून्य जो कर रहा है वो शून्य नहीं है स्वरूप शून्य नहीं है आपके पास मन में अनंत वासना है अब वो अनंत वासना आपके दुख का कारण हो रहा है परंतु वासना छोड़ करके अनंतता कैसे अभिव्यक्त होता है आनंद रूप में देखो प्रत्येक आत्मा ही परित्यक्त प्रत्येक आत्मा ही उसका परित्यक्त इसीलिए बोलते हैं न बाह्य रमणम तथा अतत्वदर्शी अतत्वदर्शी जैसा बाहर विषय में रमन करता है कि ऐसा रमन नहीं करता प्रयास करता है धीरे 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 एक एक करते नहीं बस परापारी एक जैसी होगा अनंत आनंद का अनुभव करेंगे आत्मरामत्वं कथम इति आशंक बाह्य विषयाशक्ति त्यक्त्वा प्रत्यगात्मनेव परित्यक्त्वादि इति आरोह न बाह्य रमण फिर आगे बोलते हैं तत्त्वात् अप्रच्युतो भवेत् इति एतत् व्यतिरिक्त मुखेन व्याकरोति वो तत्व से कभी प्रच्युत नहीं होता तत्त्वात् अप्रच्युतो भवेत् मतलब अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त मतलब कहाँ पर हम प्रच्युत होते हैं जब शरीर को आत्मा मानते हैं मन को आत्मा मानते हैं तो उसके परिवर्तन के साथ अपने प्रच्युति का अनुभव करते हैं जब शुद्ध आत्मा को आत्मा मानेंगे वो हमेशा एक रूप है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का धर्म है हमेशा परिवर्तन वाला उसका अधिष्ठान हमेशा परिवर्तन वाला जब अधिष्ठान को हम समझ जाए कि हमेशा परिवर्तन ही रहेंगे अप्रच्युत हो तभी होना संभव है इसलिए मतलब दत्ता अप्रच्युत भवे व्यतिरिक्त मुखे न मतलब उल्टा अनलाइक जैसे यहाँ पे होता है इसलिए होता जाता अतत्वदर्शी कश्चित चित्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्न चित्त चरण मन चरितम आत्मान मन न मन तत्वात् चरितम तो तत्व समय चरित हो गया कि मन में विक्षेप हो गया तो मैं भी विक्षिप्त हूँ मेरा मन ठीक नहीं है देहादि आत्मा को तुम शरीर को आत्मा माना था शरीर में कुछ कर सक माना था मैं मोटा था देखो मैं बुढ़ा हो गया अरे मैं भी ना जवाड़ी है ना बुढ़ापा है मैं हमेशा एक हूँ शरीर का धर्म वहाँ पे जो है ना जथा जब क्या लिखा हमारे पुस्तक में एक अवग्रह लगा हुआ है ना मूल भाष्य में देखिए आप यथा तत्वदर्शी पहले जमाने में अवग्रह का प्रश्न नहीं था तो अवग्रह जो है ना शिवराज विजय ग्रंथ जो है ना उनकी कथा तो उनके बाद से ये अवग्रह भी लगाने का प्रश्न आया तो हमको लगता है आनंद गिरी जी अब इस पत्रिका लिखे थे तो वहाँ तो अवग्रह नहीं था इसे लिखते हैं अतत्वदर्शी टीका लिखे थे उस समय शायद ये नहीं थे और शंकर नहीं बताओ
शंकराचार्य जो उसको नहीं लिखे हैं, ये तो बाद में एडिटर ने एडिट किया इसको। हमारे हम क्योंकि हमारी कभी कभी बुद्धि इतना तेज नहीं चलता, इन लोगों ने देखा कि यहाँ पे गलती हो सकता है, यथा तत्वदर्शी पढ़ लेगा फिर उल्टा अर्थ निकल आएगा, इसलिए अतत्वदर्शी करके सीधा अवग्रह लगा दिया। बंगाली में उसको ऐसे लिखते हैं ना, आत्मविदो न अव्यवस्थितम आत्मदर्शनम इति अत्र हेतु मान। आत्मविद पुरुष का आत्मा का अव्यवस्थिता नहीं दिखाई देता, न अव्यवस्थित आत्मदर्शन इति अत्र हेतु मान। इसमें कि न कथा आत्मविद भवे, आत्मविद ऐसा नहीं होता, शरीर भी तो ऐसा मानते हैं अपने को, मैं प्रच्युत हो गया। आत्मविद कभी ऐसे नहीं मानता कि मेरे अंदर प्रच्युत हुआ, क्यों ऐसा मानता नहीं मानता है, क्योंकि आत्मा हमेशा एक रूप होने के बाद। आत्मविद और अनात्मविद में भिन्नता क्या है, आत्मविद हमेशा एक रूप रहता है और अनात्मविद हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें क्यों हेतु क्या है, क्योंकि आत्मा में परिवर्तन नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि न तथा आत्मविद भवे, आत्मविद ऐसे नहीं होता, क्योंकि आत्मन एक रूपत्वा और स्वरूप प्रच्यवन असंभव। आत्मा हमेशा एक रूप है और स्वरूप में कभी प्रच्यवन नहीं होता, अग्नि की उष्णता है उष्णता ही रहेगा, जल की शुद्धता है शुद्धता ही रहेगा। इस कारण से जो है प्रच्यवन चेंज डेविएशन परिवर्तन ही सब जो है आत्मा में कुछ भी नहीं है। आत्मविद न अवस्था न अव्यवस्थित आत्मदर्शन, अव्यवस्थित आत्मदर्शन नहीं है इति अर्थ। इसके पीछे हेतु क्या है, आत्मन एक रूपत्वा स्वरूप प्रच्यवन असंभव, स्वरूप से प्रच्यवन संभव नहीं होने के कारण स्वतः स्वरूपे स्वरूपा प्रच्युते अप्रसक्तत्वा तत् प्रतिषि प्रतिषेध अयुक्त प्रतिषेध युक्त न भवति इति आशंका आह। सत्य जब आप स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूपा प्रच्युते स्वरूप से प्रच्युति होना प्रसंग ही नहीं होता। यहाँ पे क्या बोला, तत्वा अप्रच्युतो भव, क्या बोला लास्ट में, तत्वा अप्रच्युतो भव, तत्प्रसंग में क्या कथन करना चाहिए, स्वरूप स्वरूप से कभी प्रच्युति नहीं हो। अरे भाई जब स्वरूप में प्रच्युति नहीं है तो होगा कहाँ से, आप जो नहीं है जो प्राप्त नहीं है उसको निषेध कैसे कर रहे हो आप। अब तभी तो बोल रहे हैं कि आप जो वहाँ पे तो प्राप्त स्वरूप से कभी कोई व्यक्ति का प्रच्यवन होना संभव ही नहीं है। अब साथ आप क्या बोलते हैं कि आप स्वरूप से प्रच्यवन नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे कहेंगे आपने। ये प्रश्न जो आप बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं आप कि सती स्वरूप स्वरूपा प्रच्युत, जब वो स्वरूप में स्थित हो गया स्वरूप से प्रच्युति होने का प्रसक्ति नहीं होता, प्राप्त ही नहीं होता, तब प्रतिषेध युक्त ना भव, जिसको उसको निषेध करना युक्त संगत नहीं होता, सप्ताह तो प्रच्युत को भी नहीं कहना चाहिए था आपको। यदि आशंका तब बोलते हैं कि सदैव ब्रह्मस्मृति अप्रच्युत भवे, हमेशा उस व्यक्ति पैटे बोल करके ना चलाचरण के दस्य, आपका स्वरूप से प्रच्यवन तो कभी नहीं होगा, परंतु यदि कभी चरण निकेतन में आ गया तो अभी आप समझना कि वह उसी स्वरूप में ही। यदि किसी वृत्ति के कारण मन में शरीर संबंध भूत प्यासा कुछ वृत्ति उठा, इसके मतलब आत्मा भूखा हो गया अथवा आत्मा बीमार विकारी हो गया, ऐसा नहीं समझना। हाँ चल निकेतन, आप चल निकेतन में व्यवहार करने पर भी स्वरूप में जो है आपको कोई परिचुति नहीं हुआ ना, वैसे ही वो तो मन में हुआ प्रच्युति। प्रश्न उठाया स्वरूप में स्थित होने पर स्वरूप जब प्रच्युत नहीं होता वहां पर परिवर्तन होना तो संभव नहीं है, तो आपने ऐसे शब्द क्यों प्रयोग किया, तब तक आप प्रच्युत हो। तो बोलते हमने पहले कथन करके आया चलाचल निकेतन से यदि यादृच्छिक हो, यदि कभी चल निकेतन में मन आ भी गया, क्योंकि आप मन के साथ तात्म करके नहीं व्यवहार करते हैं, आप अपने स्वरूप में ही रहेंगे, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, थोड़ा चल निकेतन पर आवश्यक व्यवहार कर लिया, इसलिए ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सती स्वरूप स्वरूप प्रच्युति अप्रसक्तत्वा तब प्रतिषेध युक्त न हो, उसको निषेध करना युक्त संगत नहीं होता, इति आशंक सदैव ब्रह्मस्मृति अप्रच्युत भवे तत्व, उस तत्व से चल निकेतन में रहने पर भी मेरी व्यापकता की कभी भी हानि का चिन्ह का नहीं हुआ, तत्वात सदा अप्रचित आत्मतत्व दर्शन हुए, है ना। यह हमेशा उस व्यापक आत्मा को देख के भगवान श्री कृष्ण देख नहीं बोलते हैं ये देखो मैं इशारा ना चो मानता नहीं कर माने निवर्धन की धनंजय इतना उदासीन उदासीन हमेशा उदासीन कर्म करते हुए भी अपने स्वरूप भाव में रहने के कारण सर्व हमेशा असंग है, उदासीनता हमेशा उत्तम है। इसलिए आप बोलते हैं वस्तु न सदा एक रूप, वस्तु हमेशा एक रूपी है,
आप ये नहीं समझना कि चल निकेतन में बैठ करके व्यवहार करने के कारण मैं जो है चलात्मक हो गया, मैं हमेशा अचल, मैं हमेशा अचल। इस विषय में बस हमेशा एक रूपते वस्तु सदा एक रूपते स्मृति उदाहरती स्मृति को दिखाते हैं, सुनी चैव सपापी च पंडित समदर्शिना, है ना। इसलिए हमेशा एक रूपत प्रच्युत अवस्था सभी में देखते हैं। समदर्शिन समदर्शिन का शब्द वहाँ पे तो भगवान भाष्यकर तो केवल दिया सुनी चैव सपाके च आनंद के जो दिया था आगे का लिखा है सुनी चैव सपाके च पंडित समदर्शिन आनंद के याद है कुछ आनंद समदर्शिन। देखिए आप यदि भगवद गीता अगर इस प्रकार की पंक्ति को आपको याद ना रहे आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहे ना आपको, यदि आपको ये चीज़ याद पर मन में आप नहीं बैठा पाएंगे आपको कभी कभी लगेगा कि कहाँ से कहाँ चला गया। यहाँ पे तो भाष्य में तो कोई समदर्शिन पद तो आए नहीं है भाष्य का, आनंद गिरी कहाँ से देखते समदर्शिन सभा के समदर्शिन उस समदर्शन शब्द के यहाँ उठा गया है। सदा एक रूप वस्तु समदर्शन मतलब सदा एक रूप वस्तु दर्शन एव पंडिता, देखिये पंडिता समदर्शिन दोनों शब्दों के हमेशा पांडित्य तो क्या है पांडित्य ही है हमेशा एकत्व दर्शन करने का। नाम रूप में भिन्नता होने पर भी सारा चीजें ईश्वर की तरह ही जाते हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार दर्शन ही पांडित्य, इस प्रकार दर्शन ही भिन्नता है। इसलिए बोलते हैं समदर्शिन सदा एक रूप वस्तु दर्शिन एव पंडित न अन्य तथा, न भेद देखने वाले ऐसा पंडित नहीं है न अन्य तथा इति बात। अच्छा फिर जो है सम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं बोलते हैं स्वरूप अप्रच्य मने च स्मृतिं दर्शयति विनश्यत् स्वविनश्यत्वम्, है ना। परिवर्तनशील वस्तु में अपरिवर्तनीय को देखना ही होगा पंडित। मैं भारत में तो मुख्य रूप से ही बोलते हैं विषमता में समत्व को देखना, विविधता में एकत्व को देखना, ये हमारे भारतीय दर्शन भारतीय दृष्टि की मान्य है। कॉन्स्टिट्यूशन हाँ बोलिए सर, ये हमारे जो है ना काशी मुक्तानंद जब यहाँ पे नए नए आए तब हमसे पूछ रहे हैं ये हमें दिशा में नहीं हूँ और फिर जो है मेरा समझ सबका भाषा अलग अलग है और एक दूसरे की भाषा को समझ में नहीं रहे, फिर हम लोग एक साथ मिलकर व्यवहार कैसे करते हैं, फिर हम एक साथ मिलकर व्यवहार कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका आप मातृभाषा मैं नहीं समझते, मेरा मातृभाषा आप नहीं समझते हैं, और फिर जो है पुलिस समझे का मातृभाषा हमने समझता आप नहीं समझते, हम लोग एक साथ मिलकर रहे ये कैसे बोल सकते। यदि एकत्र बुद्धि विषमता में समत्व बुद्धि हमारे अंदर नहीं होती तो हम संभव नहीं। ये धीरे से मेरी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी और इंडियन कल्चर आश्चर्य होते इसमें एक एक चेत मान लो कि 50 मील दूरी में चले जाए दोनों का भाषा अलग अलग है एक दूसरे को समझते हैं मिलकर रहते उस तो उसका अंदर की कोई वस्तु होगा जिसमें भी करते देखते हैं ये ईश्वर तत्व समझ में आएगा। स्वरूप अप्रच्य बने स्मृति दर्शयति समम सर्वेषु भूतेषु तत्र ही देखे विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। परिवर्तन चिन्ह राम रूपों में अपरिवर्तन यदि ईश्वर तत्व उसको जान वो एक तत्व को समझने के कारण हम एक रूप में रह सकते तत्व ही विनश्यत् स्वविनश्यन्तमिति स्वरूप अप्रच्य वनम उत्तम। स्वरूप में अप्रच्य प्रच्य वन नहीं है नाम रूप में प्रच्य वन है और उसको हम मिथ्या मानते हैं वो भी परिवर्तित है स्वरूप देखी है ये तत्व ही विश्व विश्व विनश्यत्सु अविनश्यन्तम विनश्यत्सु पश्यति स्वपश्यति वो दृष्टि है यथार्थ दृष्टि को ज्ञान दृष्टि और ज्ञान चक्षु के द्वारा देखा जाए कभी कभी। तो इस प्रकार से हमारा द्वितीय प्रकरण समाप्ति गौरपाद्य कालिकाया अथवा कालिकासु वैतथ्य आख्यम द्वितीय प्रकरणम भाष्यकार कालिकाएं इति श्री गोविंद भगवत पाद शिष्य परमंश परिव्रज आचार्य शंकर भगवत कृत गौरपाद्य आत्मशास्त्र भाष्य
वैतत्थ द्वितीय प्रकरणम फिर यहाँ पे इति श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य भगवत आनंद ज्ञान विरचितायाम गौड़पादीय कारिका भाष्य टीकायाम वैतत्थम द्वितीय प्रकरण ये तो समझ में आया शिव कई बार बोला आज मुझे कि हमारा टिप्पणी कार्यक्रम इति श्रीमद परमहंस परिव्राज स्वामी गोविंदानंद गिरी पूज्यपाद शिष्य विद्या वाचस्पति स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी विरचितायाम गोविंद प्रसादेनी गोविंद प्रसादीन आकटिप्यम गुरुजीनानंद गोविंदानंद गिरी स्मृति कार्यक्रम की सब जगह पुस्तक में टिप्पणी का नाम देखना गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी सभी आदमी अपने गुरु को ठीक है। इस प्रकार से दो प्रकरण पूरा हो गया। अब जो है आपने युक्ति पूर्वक ये सिद्ध कर दिया आत्मा से भी और शुद्ध शुद्ध वाक्य से भी और युक्ति पूर्वक जागतिक प्रकरण से सत्य नहीं है तो अब तो भी सत्य नहीं है तो अद्वैत सत्य अथवा अद्वैत सत्य आपने कैसे सिद्ध किया क्योंकि द्वैत मिथ्या है इसलिए अद्वैत सत्य है। क्या अद्वैत को भी युक्ति के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है ये प्रश्न अब जैसे आपने जागतिक प्रपंच को आगमन सूत्र के वक्त द्वारा आपने मिथ्या प्रपंच सिद्ध किया इसलिए अद्वैत रूप अधिष्ठान भी मिथ्या ही होगा ऐसा शंका होने पर तृतीय प्रकरण शुरू। ठीक है क्योंकि आपको ग्रंथ यहीं पर समाप्त हो सकता था आपने सिद्ध करके जगत मिथ्या सूखी वाक्य के द्वारा आरम्भ परंतु ये आर्थिक अर्थ से अद्वैत आया तो अद्वैत को भी युक्ति के द्वारा समझा जा सकता है इसलिए अद्वैत पारमार्थिक सत्य है इसको युक्ति के द्वारा समझाने के लिए तृतीय प्रकरण शुरू होता है। ठीक है टीकाकार के सूत्र था अथ गौरवादीय कार्य का सु अद्वैत अखम तृतीय प्रकरण अब इसके बाद अथमतम आनंद अर्थ में आया हुआ ये दो प्रकरण होने के बाद गौरवादीय कारिकाओं में द्वैत अद्वैत अखम मतलब अद्वैत नामक भेद रहित नामक तृतीय प्रकरण कौन ये जो ऊपर पहले लाइन में लिखा हुआ है ना एक जिन लोगों ने ग्रंथ को छपाया था कैलाश आश्रम में आनंदाश्रम करके लिखाया था वो भी हो सकता है और भगवान शंकराचार्य जी भी लिख सकते हैं ये तो हम नहीं बोल सकते कैसे आया होगा तो कई पुस्तक पर छपुआ लिखते सभी पुस्तक में आपको मिले टीका में देखिए क्या बोलते हैं तर्क अवस्टम्भेन द्वैत द्वैतत्व निरूपणम परिसमाप्य ठीक है ना तर्क के सहारा लेकर के भेद में मिथ्या है भेद मिथ्या है इसका निरूपण कर्म का जो विषय था उसको परिसमाप्त कर परिसमाप्य परिसमाप्य तर्क अवस्टम्भेन द्वैत द्वैतत्व निरूपणम परिसमाप्य तर्क को अवलंबन करके भेद में मिथ्या भेद मिथ्या है इसको निरूपण की प्रक्रिया को समाप्त करके अद्वैतम आर्थिकम अपि अद्वैतम आर्थिकम अपि तर्कत संभावयितुं कि इसलिए आर्थिक अर्थ जब मिथ्या आप अद्वैत मिथ्या होगा तो अद्वैत सत्य होगा इसलिए बोलते हैं अद्वैतम आर्थिकम अपि तर्कत आर्थिक होने पर भी तर्कत संभावयितुं तत्व तर्क के द्वारा को भी अद्वैत को समझा जा सकता है जिस प्रकार कमरे में कोई नहीं है यानी कि कमरा शून्य है ऐसा कह देते हैं तो काम कोई नहीं द्वैत मिथ्या है इसका कहने से क्या होता है अद्वैत सत्य ही कहना चाहता है तो इतना भी आर्थिक अर्थ से हमारा अभिप्राय नहीं है तुम युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हो तो अद्वैत सत्य भेद द्वैत सत्य है उसके लिए अगला प्रकरण है इसलिए अद्वैतम आर्थिकम अपि अर्थ से अद्वैत सत्य प्राप्त होने पर भी तर्क का संभव है तुम्हें तर्क से भी इसका संभव ना तो इसको प्रतिपादन किया जा सकता है इसके लिए प्रकरणांतरम प्रारिप्सु प्रकरण अंतर को दूसरे प्रकरण को आरंभ करने की इच्छा रखने वाला प्रारिप्सु उपास्य उपासक भेद दृष्टि वो आप देखना चाहते हैं कि अद्वैत पारमार्थिक सत्य है तो भेद में क्या दिखाई पड़ते हैं गंतव्य और दंता द्रष्टव्य द्रष्टा उपास्य उपासक के भेद जो दिखाई पड़ते हैं भेद निंदा करके पहले अद्वैत को युक्ति पूर्वक समझाएंगे शास्त्र के द्वारा दिखाएंगे शास्त्र स्वयं भेद को निंदा उसको जाकर के यानी कि अभेद सत्य है इसलिए बोलते हैं कि प्रारिप्सु
प्रारंभ करने की इच्छा रखने वाला उपास्य उपासक भेद दृष्टि तावत अपवदति। ये जो उपास्य उपासक रूप में जो भेद दृष्टि हमें दिखाई पड़ता है उसको निंदक अपवदति, उसको निंदा करते हैं। सबसे पैतावत मतलब पहले उसको निंदा करते हैं। एक नंबर टिप्पणी में देखिए, एक नंबर कहाँ है नंबर टिप्पणी, उपास्य उपासक ही भेदस्य पारमार्थक अभ्योगमादिति भाव। जो उपासक है ना वो भेद पारमार्थिक ऐसा मानते, भगवान हमसे भेद में ऐसा मानते उपासक वो भाव भी खत्म कर देना। मेरे से इस पर इस प्रकार उपासक हूँ मेरे से अलग है वो भी भाव नहीं हो रहा। हाँ ये भेदभाव नहीं हो सकते, इस सब हमारे अंदर बैठे हो, इससे अलग नहीं है तुमसे। ठीक है शुरू शुरू में हमको समझ में नहीं आता तो ठीक है भगवान को सामने रखो उपासना करके सामने, अब तो बाद में जो है धीरे धीरे अपने भी समझते हैं। जब हम मान्यता देते हैं कि क्या मान्यता देते हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है। यदि सर्वव्यापक ईश्वर है तो क्या आप हमारा उपासक 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 जो है जिस शरीर से वो अपने को उपासक मान रहे हैं तो वो सर्वव्यापकता का इसमें नहीं होना हो गए। तो तुम भेद मानने पर भी तो भेद नहीं है, अब युक्ति के बच्चे को समझ आएंगे। इसे बोलते हैं तर्क अवस्टम भी न द्वैत द्वैतम निरूपितम निरूपणम परिसमाप्त, उसके निरूपण को परिसमाप्त करके अद्वैतम आर्थिकम अपनी तर्क तो संभव है तो अद्वैत आर्थिक रूप में सिद्ध हो जाने पर भी तर्क से भी उसको प्रमाण किया जा सकता है। इसलिए प्रकरणांतर मतलब तीसरा प्रकरण ये है अद्वैत प्रकरण प्रारिप्षु प्रारंभ करने की इच्छा रखते से उपास्य उपासक भेद दृष्टि में उपास्य उपासक जो है अपने भेद दृष्टि में बना के दोबारा का मतलब अपवादी उसको निंदा करते हैं। उपासक ही उपासकों के द्वारा टिप्पणी में भेदस्य जो परमात्मा को भेद मानते हैं ना परमार्थत्व पारमार्थिक भेद है ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए इसी वेद में बोलते हैं। अब श्लोक को बोल देखिए, ओम उपासनाश्रितो धर्मो उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्ते अजं सर्वं प्रागुत्पत्ते रजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः तेनासौ कृपणः स्मृतः उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणस्मृतः। उपासना के आश्रय करके जो धर्म उपासक मैं हूँ और ब्रह्म मेरा उपास्य है, इस प्रकार से मोक्ष के साधन रूप से जो लोग उपासना को अपनाया हुआ है ना, आश्रय उपासना का आश्रय लेने वाले जी इन कार्य ब्रह्म तक जाकर ही रह जाते। उपास्य देवता ही परमात्मा इससे आगे और कुछ नहीं है, इस प्रकार मान करके उपासना करने वाले व्यक्ति कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कार्य ब्रह्म तक पहुँच पाएंगे, निरंतर पद तक पहुँच पाएंगे, यह पहुँच पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कार्य ब्रह्म ही रह जाते हैं प्राग उत्पत्ति जाते ब्रह्म ही वर्त करते हैं, मतलब कार्य ब्रह्म का भी युद्ध मान जाएगा। प्राग उत्पत्ति अधिक्षण उत्पत्ति से पूर्व सब अजन्मा ब्रह्म ही था और उत्पत्ति होना तो भी नहीं, पहले क्या रहना उत्तर दिया नहीं थी, आपकी कल्पना के साथ में उत्पत्ति की वास्तविक उत्पत्ति नहीं थे, अब तो हम इसको नहीं समझ पा रहे। इसलिए उत्पत्ति नहीं जो तत्व मतलब नहीं पहुंच पा रहे, उत्पत्ति नहीं तत्व तक नहीं पहुंच पाने के कारण हमारी उत्पत्ति भी नहीं रुक रही है। क्या हुआ वास्तविक उत्पत्ति कभी हुई नहीं, मतलब जन्म कभी हुई नहीं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो हम कार्य ब्रह्म तक हिरण्यगर्भ तक पहुँच जाते हैं, परंतु वहाँ तक नहीं पहुँच पाने का कारण क्या होता है, जन्म रहित तो मैं ही स्थिति में नहीं पहुँच पा रहा हूँ, परंतु मैं क्या जन्म मृत्यु को चक्र में फिर इसलिए मैं कृपण हो गया। इस कारण से तेन अश्वी उपासक को कृपण रूप में स्मरण किया जाता है, तेन अशोक कृपण स्मृत जिस शरीर में रह करके मनुष्य शरीर पा करके यदि आप जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकते थे परंतु थोड़ा सा आगे मतलब विचार रुक जाने के कारण आपने उसको यथा समय में उसको उपयोग नहीं किया। कृपण महत्वपूर्ण है, आपके पास सारा चीज़ है परंतु आवश्यक होने पर भी आप उसको खर्चा नहीं कर रहे पैसा, उसको कृपण बोला जाता है। आप निरक्षय आनंद को प्राप्त करना चाहते हो और उसमें आपको क्या खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा यही करना पड़ेगा दिमाग की कोई उत्पत्ति हुआ ही नहीं, वो नहीं कर पा रहे इसलिए कल्पना
दो स्टेज और जाना है। हाँ, हिरण्यगर्भ के बाद दो स्टेज, एक स्टेज, एक स्टेज एक्सप्रेस ईश्वर, बस बस वो वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ईश्वर अपने आप ही पहुँचा देते हैं वहाँ, उसके आगे आप प्रयास नहीं कर सकते, ईश्वर तक हमारा प्रयास है, बाकी ईश्वर अपने आप ही कर देते हैं। ईश्वर को जो ईश्वर तत्व दूसरे तत्पथ की शोधन बोलते हैं, ईश्वर तत्व को यदि आप ठीक से समझ जाएंगे तत्पथ का शोधन मतलब उसको शुद्ध करना, मतलब उपाधि के साथ वो ऐसा दिखाई दे रहा है वास्तविक उपाधि वहाँ पे है नहीं, बस इतना ही जो है। और तम मतलब अंतकरण शुद्ध होने पर ये समझ में आ जाते हैं, अलग रहूँगा यदि ऐसा, ऐसे मैं अलग हूँ ही नहीं कहते, जब तक ये देखिए ये जो भेद दृष्टि से उपासना करना यही कृपणता है, यही कृपणता है। आपके पास भगवान ने पूर्ण सामर्थ्य दिया कि अभिन्नता की चिंता करो, आप चाहे चाहे भक्ति के कारण हो, संस्कार के कारण हो, आप क्या करते हैं अपने को भिन्न मान के रहने रखना चाहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कृपणता है। इसलिए तो वहाँ पे मैत्री भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, जो मई गार्गी एत अक्षरम अभिदिता अस्मान लोका प्रैति सत्कृपना, ये गार्गी जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर में आकर के उस अक्षर तत्व को नहीं जान करके शरीर को चला जाता है वो कृपण है, और जो जान करके जाते हैं वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। इसी नाते बोलते हैं उपासना से धर्म जाते ब्रह्म निवर्तते। ऑपोजिट गॉड फॉर कृपण क्या है, अकृपण, व्यवहारिक जगत में कृपण अकृपण ऐसे बोलते हैं, कृपण उदार ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, प्राग उत्पत्ति अजन सर्पी आपकी उत्पत्ति के भाव से पहले सब अजय दिखा रहा है, सब जन्म रहे थे, और जब भी हम इतनी होते हुए भी हम उसको नहीं समझ पाए, इस कारण से तेन अशु अशु साधक कृपण स्मित, मतलब उसको कृपण किस प्रकार से स्मरण किया जाता है, तब तक तो उसको ऐसे दीन मानते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या होता है, कृपना फल ही तब कृपण शब्द हमें क्या कृपण का डेफिनेशन क्या है, कृपना फल ही तब, जो कर्म करके आप मुक्ति की ओर जा सकते थे, आप छोटा सा फल चला करके अपनी कृपणता को दर्शाते हैं, कृपणा फल चाहने वाले लोग कृपण होते हैं, फल चाहने वाले कृपण होते हैं, यही शब्द प्रयोग हुई है, अभिप्राय यही है, तो दोनों में कोई बहुत भिन्नता नहीं है, मतलब यहाँ पे कृपण क्यों रह गया, क्योंकि आपने कर्म फल चाह करके आप मुक्त हो सकते थे, हम तो कर्म शुद्ध करके अब नहीं कर पाए उसको, यही हमारी कृपणता है। ठीक है, चलो अभी रहने के लिए यहाँ से और एक नया चीज देखना आएगा कि अब तो एकदम जैसे युक्ति प्रयोग बिल्कुल पक्का कर देंगे यहाँ, और साधन बताएंगे कि मन को कैसे आप रोकेंगे, मन को रोकेंगे साधन बहुत अच्छी बात बताएंगे, अब द्वैत तत्व को समझने के लिए मानसिक विकसित परिवर्तक है वो कैसे विचारपूर्वक उसको कैसे रोकेंगे वो बताएंगे। भाषा प्रतिहरियगमत् शान्तस्तमान्धकारो मज्जोन्मज्जचकोरे उपजनोदन्वति त्राशने यत्पादावासितानां सुकिशमविनय प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनदौ सर्वभावेनमस्ते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः। Amen.